शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यार बहुत ही बुरा हुआ बेचारा, क्या करें, इसका वक्त ही खराब था। खैर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब इंसान के साथ बुरा होता है तो वो वक्त को क्यों दोषी ठहराता है। नहीं, अगर उसकी लॉटरी लगती है तो वो वक्त के लिए मंदिर थोड़ी बनाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना बुरा इंसान है, यहां पर इतना बुरा हुआ है और ये मुस्कुरा रहा है। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक्चुअली चक्कर पता है क्या है कि मैं इंसान ही नहीं हूं, मैं वक्त हूं। और वक्त जो है वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी रूप में आ सकता है। खैर हमारी कहानी जो है वो यहां नहीं, कहीं और शुरू होती है। Thank you.
तुझे लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मूड है। ओ, तुझे लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मूड है। दो पैग टकीले के टिकाने का मूड है। फुल नाइट तुझे मौज गाने का मूड है। कोई नीली वाली फिल्म दिखाने का मूड है। तेरे संग समुंदर में नहाने का मूड है। और तू होके बोल दे ओके ओके तो हाफ हनीमून मनाने का मूड है। कोई नीली वाली फिल्म दिखाने का मूड है। हाँ, एसी फुल करके बत्ती गुल करके कार में प्यार की डोज लूं। मेरी आदत है कश तेरी सांस के रोज लूं। दिल की माका साकी नाका दिल की माका माका साकी नाका नाका। कोई गंदी वाली बात बताने का मूड है। तुझे नीली वाली फिल्म दिखाने का मूड है। ओ, 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 टच कर लूं आज टू मच कर लूं तो माता क्या बिगड़ जाएगा। ओ बन जा अंगारा दो मेरा पारा और थोड़ा सा चढ़ जाएगा। चल मुझे शह दे आज तू भी कह दे। चल मुझे शह दे आज तू भी कह दे तेरा भी आज घर पे ना जाने का मूड है। कोई नीली वाली फिल्म दिखाने का मूड है। फुल नाइट तुझे मौज कराने का मूड है। कोई नीली वाली फिल्म दिखाने का मूड है। तुझे लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मूड है। चलो ग्रीस का टाइम तो सेट कर लूं। क्या टाइम आ गया। टाइम को भी टाइम सेट करना पड़ रहा है। हाँ ये क्रॉस देख रहे हैं आप लोग, बस 2000 साल पुरानी बात है जब जीसस को क्रॉस पर लटकाया गया था। लेकिन उस वक्त भी उनके चेहरे पर बहुत तेज था। मायूसी तो मेरे चेहरे पर थी क्योंकि उस वक्त उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया। ये बात आज तक मेरे दिल में मुझे बहुत खटकती है। वैसे कर तो मैं इसके लिए भी कुछ नहीं पाऊंगा। लेकिन ये बात मुझे दिल में बिल्कुल नहीं खटकती। आइए देखते हैं। आप लोगों ने डीडीएलजे फिल्म देखी है, उसमें वो राज था। ये हमारे ग्रीस का राज है। सुसाइड करने के लिए यहां पर आया है। वैसे इस वक्त दुनिया में 30,000 लोग सुसाइड करके मरे हैं, जिसमें से 300 लोग कूद के मरे हैं। आप लोगों ने शोले फिल्म भी देखी होगी ना, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। लेकिन सुसाइड में उल्टा है, यहां पर जो डर गया वो बच गया। ये
ये तो बहुत गहरा है, मैं तो एक कंडी घुस सकता। अरे मरेगा क्या चूचे? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, ये लोग मुझे देख नहीं सकते। ये क्या, मेरी इच्छा के बगैर मुझे कोई भी नहीं देख सकता। खैर इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये DDLJ की सिमरन नहीं है, आप लोगों ने भूल भुलैया देखी है ना, उसकी मंजुलिका है, और वो मंजुलिका इनके अंदर आती जाती रहती है। मुझसे अच्छा कौन जानता है। इसके आगे की भी कहानी अगर मैं आपको सुना दूंगा तो फिल्म के आप लोग घंटा देखेंगे। अब खुद देखिए क्या क्या होता है यहाँ पर। कूदेगा क्या चूचे? चूचिया? चूचिया किसको बोली? तेरे को, तू कूदने आया था ना? हाँ? मैं कूदने नहीं आया था। तो क्या सेल्फी लेने आया है? चल चल मेरी भी ले। ए सुन, अरे सुन, ए दुखी आत्मा, रुक ना, इधर मत जा। क्यों? ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। हट। ए रुक, उधर मत जा। ग्लाव तो पहनने दे। रुक रुक, वहां से मत कूदना, वहां ना झाड़ है, अटक जाएगा तू। अटकना चाहता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं भी देखना चाहती हूँ। क्या है ना, सुसाइड पहले कभी देखी नहीं। पिछली बार ना एक आदमी ऐसे ही लटक गया था, जंप से नहीं मरा, भूख से मर गया। हाँ जंप जंप। अरे क्या हुआ, जाना। अच्छा मरना ही है ना, तो मैं मदद करती हूँ। अरे भाग मत, अरे रुक सुन, अरे मेरी बात सुन, तुझे मरना है ना तो मैं हेल्प करती हूँ यार, मैं कब काम आऊंगी। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। साला ग्रीस आके ना सारा पैसा ही खत्म हो गया। चल चल आ, मारती हूँ तेरे को। आजा। अच्छा सुन, तुझे मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अरे ये ही कि तू मुझे तेरी सुसाइड के लिए ब्लेम नहीं करेगा। ऑलमोस्ट लाइक अ सुसाइड नोट, कि तुम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, तुमने अपनी मर्जी से किया है। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। अरे आप लिखूंगी ना, तुम्हारा नाम क्या है? राजकिरण। तुम्हारा नाम राजकिरण है? राजकिरण। सॉरी, सीरियस सीरियस। टर्न करो। हाँ साइन करो, अपना ही नाम लिखना, राजकिरण। चलो गुड, आ जाओ। आ जाओ, आओ, कम, गो देयर। अब यहाँ से कूदो। मुझे अगर यहाँ से कूदना आता तो मैं ऊपर से ना कूदता। अरे ऊपर झाड़ है ना, तू अटक जाता। यहाँ क्या है, नो झाड़, वंस इन फॉरएवर आउट। गुड बाय। माफ कर, मुझे खुद मरना आता है। खुद मरेगा? अरे रोक, मेरे पैसे दे। अरे रोक, मेरे पैसे, तुझे मुझे पैसे देने हैं। अरे और सुन, याद रख, खुद से मरने का नहीं। घर जा रहे क्या? पैसे घर पे रखे? ठीक है, मैं भी चलती हूँ साथ में। घर पे जाते हैं दोनों। वाह वाह, तुम हमेशा इतनी ज्यादा बातें करते हो क्या? आ गए घर। अंकल मेरे रूम की चाबी देना। यार अंकल मत बोला करना। सर बोल धरो। बहन तो लगती नहीं है तेरी, और गर्लफ्रेंड तो तू अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये है। बता तो दे कौन है। हेलो, हु यू? मैं इसको मारने आई। उत्तरी, बड़े गंदे इशारे करके गई है यार। छी 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 छी। लेकिन मेरे होटल में ये सब नहीं चलता। हेलो एक मिनट रुक, तो रुको। वाओ थैंक्स, क्या घर है। वाओ थैंक्स। यहाँ रहते हो? हाँ? वाह, पैसे लाए?
ये क्या? 2000 रुपए। पर यहाँ के तो 25 ही है। इतना ही है मेरे पास। करीब साला। कैसे मारोगी मुझे? अरे इजी है, पंखा है, लटक जा। आओ क्या? सुनिए जी, ऊपर चढ़ जा। मुझे चढ़ना पड़ेगा? क्यों? आता नहीं। मैंने कभी ये किया नहीं है। खड़ा नहीं रह सकता। ओए मेरे होटल में ये क्या है ये? ओहो, मतलब ये पंखे के साथ कैसे करोगे भाई? देखो तुम लोग ना बहुत ही मतलब डेयरिंग किस्म के हो। अब वो क्या बोलते हैं उसको, एडवेंचरस है? देखो मेरे होटल में ये नहीं चलता। फैन नहीं चलता? फैन चलता है लेकिन ये नहीं चलता। हाँ, ये फैन नहीं चलता। ओ, मैंने फैन कब बोला? तो मैंने फैन बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे होटल में ये सब नहीं चलो। और क्या? समझ गया मैं धर्म। क्या धर्म? तुम क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं समझ गया। उसको बोलूंगा ना। हाँ, लेटर से धर्म। चलो चलो चलो। से धर्म बोलेगी? नहीं चलो चलो। कब बोलेगी? से धर्म। हाँ बस ठीक। एक बार धर्म बोलने दो ना उसको यार। मुंह पे बंद कर दिया दरवाजा मेरा, बदतमीज। उसने तो देख ली रस्सी। तू तो चला जाएगा, मैं लटक जाऊंगी जेल में। ये प्लान कैंसिल, दूसरा कुछ सोचती। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। चल खुद ही मार। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा कम कूल। ओनली टब? बाकी का बाथरूम कहाँ है? मत बताना। और सारा पानी तो इसके अंदर है, बताओ। सारे होटल वाले बेचारे चीख रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है। सारा पानी तो तुमने यहाँ इकट्ठा करके रखा हुआ है। नॉनसेंस। मैं थोड़ा सा पानी लेके जाता हूँ। अरे चिल्ला के सबको बुलाएगा। अरे इसका मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। हाँ इसका मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। ठीक है ठीक है। फोन हो गया। ले जा मुझे सीधा सीधा जा। ये मरेगा तो नहीं? जाते हो और लड्डू खाना। अरे मर जाता वो। आज का खत्म, कल मिलते हैं। और मेरे बढ़ने का? 2000 रुपए लिए तूने? अरे 2000 में दो ही अटेम्प्ट होते हैं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा? कुछ नहीं लिखा उसमें। हाँ तो आज ही मिले हैं ना, अब लिखूंगी मैं। देख मेरे 3 रूल्स हैं। मेरा रूल नंबर 1, दिन के 2 अटेम्प्ट्स। मेरा सेकेंड रूल जो है ना, वो खुद अटेम्प्ट नहीं करने का। क्यों? क्योंकि किसी को भी अकेला नहीं मरना चाहिए। और मेरा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, मरने के बाद भूत बन के मुझे नहीं तंग करने का। मैं जा रही हूँ। कहाँ? वो पता है ना फेमस जंगल अपना, ग्रीस वाला? नहीं पता, ढूंढ ले गूगल मैप्स। बाय बट डोंट डाई। अब इसको पहनो और भागो। ये? हाँ क्या है ना, यहाँ शिकारी बहुत है, कोई ना कोई तुमको रैबिट समझ के गोली मार ही देगा। तुमको वाकई लगता है कि 6 फीट 2 इंच लंबा मैं ये रैबिट की ड्रेस पहन के घूमूंगा और वो समझ जाएंगे कि मैं रैबिट हूँ? क्यों, सांता क्लॉज में बिलीव करते हैं ना लोग, तो रैबिट में भी करेंगे। चलो चलो पहनो, वक्त नहीं है, जाओ। कोई बिलीव नहीं करने वाला। तुम्हारा काम हो जाएगा, भागो। पता नहीं क्या होने वाला है।
छह फीट लंबा रैबिट। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ना मुझे अंदर कर दें, उन्होंने भी इतना लंबा रैबिट ही देखा हुआ। अरे चलो, हाँ गोली चली क्या? गोली चली, गोली चली, गोली चली, गोली गोली गोली। छुपता क्यों है? खड़ा रहे तभी तो गोली लगेगी। कहीं क्या? अरे यहाँ हंटर्स यहाँ है। पता है, पता है। पेड़ के पीछे छुपा है, तेरी पूछ दिख रही है। Stop! Wait! Wait! Nasri, are you? I'm not a real rabbit! Don't shoot! Please! 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 अरे वो बोर्ड जो है ना बोर्ड, उसको नीचे लाके पढ़। Hunting season? बचाओ! भाग गया! सुन, dance कर dance! ये तो और मार रहे हैं। ए, कहाँ जा रहा है? अरे यार ऐसे तो मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा। अरे कहाँ भाग रहा है? इतना तेज मत भाग। अरे मेरे पैसे, कहाँ भाग रहा है तू? मैं कहाँ तक गया हूँ? ए सुनना, रुक। भूतनी, मार दूँगा तुझे। ए रैबिट, रुक ना यार। ओ रुक। मैं जंगल में तेरे कहने से ऐसे भावना कर रहा हूँ। तेरे कहने पर मुन्नी भी बन गया। जीने के चार दिन भी देख लिए मैंने। अब क्या चाहती है मेरे से? अरे सुन, मैं क्या सुनूँ? करती हूँ ना। अब इसका क्या करूं? कहां से खाऊं? ये निकाल। अरे निकल ही तो नहीं रहा है। मैं निकालती हूँ। Hello! Oi, murga mil gaya. Hi, brother, how are you? I'm good. Okay. How are you? Very good. Very good. Yes. You Indian? No, no, I'm Greek. You Greek? Yes. Gracias. Yes. Tujhe maila sagda bara hai. Thanks. What happened? Why you look sad? My mother and sister fight. Mother? Maa aur behan ka jhagda ho gaya? Yes. No worry, brother, I'm there with you. Oh. This is my card. You call me, okay? Oh, yes. Main teri maa behan ek kar dunga. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you. Bye. Yeah. Bye. Nice meeting you. Indian, Indian. Anybody Indian? Indian. Indian, Indian. Anybody Indian? Indian, Indian. Anybody Indian? सुनो, क्या painless death हो सकती है? Painless death? Painless death तो carbon monoxide या sleeping pills? वो सामने मेडिकल स्टोर से तुम स्लीपिंग पिल्स ले आओ ना। हाँ, मैं जाऊंगी और मुझे देंगे। ट्राई करो ना, सोते सोते मर जाऊंगा। फट्टू। अरे यार, मैं वहां पूछ के आती हूँ।
इंडियन। क्या आपकी रातें करवटें बदलती गुजर रही हैं? क्या आपकी बीवी बेडरूम में और आप किचन में सोते हैं? बचपन में जितनी भूल की है उसका उपाय है मेरे पास। क्या कुछ भी बकवास। टेंशन क्यों लेते हो? जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। ये देखो अमेरिकन गोली, इसका नाम है होल एंड सोल। इसको खा के सीधा हल्ला बोल। क्यों टेंशन लेते हो? 5 हीरो की गोली, इसको खाने के बाद ना थोड़ी थोड़ी हराहत होगी। ये देखो ये देखो, ये है 10 यूरो की, इसको खाने के बाद ना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मजा आने लगेगा आपको। और ये देखो, ये है 500 यूरो की। इससे क्या होगा? अगर इन दोनों से कुछ नहीं होगा तो इससे भी कुछ नहीं होगा। अभी क्या मैं भी पैसा नहीं कमाऊं क्या? कमाल करते हो यार। हैं? क्या क्या देख रहा है अनीता? नहीं मिली यार यहाँ पे भी। ओहो भाभी, बीवी नहीं है वो मेरी। नहीं है? नहीं। वैसा भी जैसा तू है तेरे से शादी कौन करेगा? अनीता भाभी, भाभी, अरे भाभी भाभी, क्या बात है, मजा ही आ गया। भाभी आप इंडियन है? हाँ मैं इंडियन हूँ। अरे वाह, तो आपके लिए कमाल कमाल का सामान है मेरे पास। देखिए बहुत सारी बीड़ी है मेरे पास, थांबाजी बीड़ी, 101 पटाखा बीड़ी। ए, मैं बीड़ी नहीं पीती। अच्छा, शक्ल देखकर तो लगता है कि पीती होंगी। चलो यार। सुनिए मैडम, एक पता नहीं सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है, आप सच में इंडियन है क्या? हाँ। इंडियन है? तो इंडिया के सारे मसाले हैं मेरे पास। देखिए चलती फिरती किराने की दुकान हूँ सच्ची में। अरे मेरे पास ना एनडीएच मसाले, सुने आपने बम्बई में? हाँ। अरे बहुत फेमस है इंडिया में एनडीएच मसाले। और वो बुड्ढी अंकल है ना, उनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ। एक दिन क्या हुआ, फ्लाइट में बैठे थे हम लोग साथ में, तो मैंने अंकल को बोला, अंकल आप 90 साल की उम्र में इतना फिट कैसे रहते हो यार? तो कहते बेटा मैं मसाले नहीं खाता। तो अपना अपना सिस्टम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जो चीज हो उसको आप खुद यूज करें। क्यों भाई साहब? जैसे कि आप जानते हैं कि ये है लेकिन नहीं हो रहा है, होता है ऐसा। मैडम एक मुझे ना सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है, आप इंडियन है क्या? नो, आई एम अमेरिकन। अमेरिकन? लेकिन लगती तो आप इंडियन है। दिमाग खराब कर रहे हैं, इससे कुछ भी बोला। अरे सुनो ना, अरे रुको तो यार। अरे क्या यार, मदद करनी है ना, स्लीपिंग पिल्स है तो दो। नींद की गोली? हाँ। अरे पहले बोलने का ना, बोला ना पूरे किराने की दुकान हूँ मैं, सारी चीजें अपने पास में। अच्छा एक मिनट मैडम, मैंने आप लोगों को अपना नाम तो नहीं बताया ना? नहीं नहीं बताया ना। अरे तो जी भर के खाओ, क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये वाली जो नींद की गोली है ना, ये लिक्विड है, ये आप ऐसा थोड़ा सा दे देंगी तो अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन अगर ये वाली 4 गोली दे दी तो सीधा फिर यस जय हो। तो ये दे दो। दे दो क्या? आपके पास कार्ड है कि कैश है? हैं? कैश है कि कार्ड है? कैश। इंडियन लोगों को कोई भरोसा नहीं रहता ना भाई। चल एक मिनट। अरे आपको दिया, सर के लिए भी तो गिफ्ट है ना मेरे पास। गिफ्ट होता है सर, होता है, मैं समझता हूँ, हो जाता है जवानी में कभी कभी। ये लो, रात भर बैठ के लूडो खेलना, लूडो मजा आएगा। ओके बाय। अरे एक मिनट, ये लोग तो चाइना की गोली लेके चले गए। चलो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसका टाइम ना आया हो। कुछ नहीं हो पाया मुझसे, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर पाया, सॉरी पापा, कुछ नहीं हो पाया मुझसे। अरे बेचारा, लेट मी हेल्प हिम। ओए ताकत की गोलियां, रेने दे, रेने दे, रेने दे, रेने दे, रेने दे। मैंने सब देख लिया है, मुझे सब पता है, तू ये गोलियां क्यों खा रहा है? आप जानते हैं मैं इतनी सारी गोलियां क्यों खा रहा हूं? मुझे नहीं पता होगा तो और फिर किसे पता होगा। लेकिन कितनी गोलियां खा ली है तूने अभी तक? 3 खा चुका हूं। 3 गोलियां खा चुका है? ओए होए होए होए, ओए 3 का तो तेरे को पता नहीं है असर कितना होना है। अगर तूने ये सारी खा ली होती तो तेरा तो काम हो जाना था। इतनी सारी गोलियां खाऊंगा तभी काम होगा मेरा। किसने कहा है तुझे इतनी सारी गोलियां खाने के लिए? अनीता ने। अनीता ने? पागल है वो, उसे पता नहीं है इन गोलियों का असर क्या होता है, और तेरे लिए तो 2 ही काफी हैं।
बल्कि ज्यादा ही है मेरे हिसाब से तो। मुझे नहीं, मेरी बात सुन, तू ना ओवरडोज कर चुका है, तीन का ओवरडोज हो गया तेरा। मुझे तैयार है, बाकी की गोलियां मैं समेट के रखता। चल मैं चलता हूँ, इनका ख्याल मैं ही रखूंगा। है इतनी सारी ताकत की गोलियां एक साथ नसीब हो गई, यहाँ तो एक ही खाली होती ना तो टकटक हो जाता काम। अब तो तीन तीन खाऊंगा ना 25 साल बाद, और मेरी सुहाग रात अब टकटक होने वाली है। कौन है भाई, कौन है? सनी। सनी भाई, सनी से तो जब भी धर्म गले मिलता है ना, भाई गॉड दिल खुश हो जाता है। और लेकिन हम 1.5 घंटा पहले तो गले मिले हैं। So what? I missed you. है? Come here. Miss me, और ज़्यादा miss me. बस। क्या हुआ? I stopped missing you. है? बना लो पराठा, रूम नंबर 403, send it. हाँ। और bye. हनी, I have magical pills, जिससे हमारा हनीमून बहुत ही हो जाएगा। Take them. Naughty, naughty. Get ready, मैं भी आई हूँ। Finally, आज कुछ होगा। आज तो मजा आया। अच्छा आदमी था यार, क्यों मार दिया मैंने? तू मरा नहीं? नहीं। कितनी गोलियां खाई थी? पूरी बोतल। पूरी बोतल से कोई जिंदा रहता है? कितनी गोलियां खाई? तीन से मरेगा तू साले, 300 Good morning. Good morning, Padme. वहाँ बाहर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को चाकू से मार रहा है। Oh God. हाँ. यहाँ अलाउड है? अरे come on, Insta story. Come on. Come on. अच्छा था। हे तू क्यों नहीं गया? टुकड़े कर दे टुकड़े, कच 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 कच। तो खिला? ये तेरी लास्ट मील होनी चाहिए, कल तू जरूर मरेगा। प्रॉमिस? डन। लेकिन पेनलेस डेथ। फट्टू कहेगा। चल।
तू और एक दिन जिंदा रहता ना, मैं तेरे को रास्ते का खाना खिलाती। रास्ते का खाना? डायरिया से ही मर जा मुझे। अरे दैट्स द आइडिया। चले जी। बेटे लाइफ इतनी आसान होती ना तो लोग भगवान को याद नहीं करते। प्रॉब्लम पता क्या है? हाँ, मत बता, मुझे सुनना ही नहीं है। कल तूने 3 गोली खाई थी ना? हाँ। ये ले, ये 4 खा ले। 5 और जब सॉरी कल जब तू उठेगा ना तो तू अपने आप को मरा हुआ पाएगा। तू तो समझ गया ना, खा ले। गोली हाथ में रखने के लिए नहीं दी है, चलो खा। बुखार तो कम है। आप नहीं होते तो क्या होते मेरे? कुछ नहीं होता, मैं हूं इसीलिए तुम हो। ये बात तो है। चलो चलो अब सो जाओ और सुबह तक मैं चाहता हूं कि तुम दौड़ते भागते मिलो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दो सौ 15, 216। कौन है ये? Here we go. अरे जगदीप, क्या भाई क्या हाल है? कैसे हो भाई? और सब बढ़िया? क्या मस्त गाड़ी है यार। और जगदीप कैसा है? जेडी, कॉल मी जेडी। यूरोप में सब मुझे जेडी नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी तेरी है? चोरी की है। अरे मेरी है यार, वहां पे इससे भी बड़ी है, बंगला भी है मेरा। 15 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ, और 3 महीने बाद 25 लाख होने वाली है पर मंथ। तो आज की शाम मेरे नाम पार्टी करते हैं मेरे फार्म हाउस पर। बाय बाय बाय। यार ये कितना बदल गया है ना। बिल्कुल नहीं बदला जेडी भाई। 10 लोग आओ पार्टी करते हैं। पानी नहीं है पूल में? तू ये क्या नाना है क्या? अंदर आ, तुझे शराब से नहलाता हूँ। फ्लावर फॉर यू विद लव, विद लव। इधर आ। देख मेरी बात सुन, तू इनके साथ मत रह, ये साले भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। तू एक काम कर। क्या भाई? तू अपने पापा के लिए कुछ तो कर। मैं करना चाहता हूँ भाई, लेकिन क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं तुझे बता। इराज। हाँ भाई। तुम जेडी मेरी समझ में नहीं आता है कभी। छोड़, स्विमिंग पूल देख। ये जैसा पूल खाली पड़ा है ना, वैसे जेडी की बातें भी खाली पड़ी हुई हैं। तू जेडी से इतना क्यों चिढ़ता है? हर चमकती चीज ना सोना नहीं होती है, इतना मेरा सोने की जरूरत नहीं है। ए, लेकिन ये असली सोना है। 25 तोला। चल। ए, हट। और राज, मजा आ गया। तेरा क्या चल रहा है? बस वही अपनी दुकान चल रही है। दुकान चलती नहीं है, वहीं होती है। तू अपना दिमाग चला और मेरे साथ यूरोप चल। कहाँ यूरोप भाई? 1 करोड़। 1 करोड़? मजाक कर रहा है। दिमाग चला, चल पार्टी करते हैं। और जगदीप? जेडी, कॉल मी जेडी। और हाँ,
तुम्हारा काम 50 लाख में हो जाएगा। मैं इतना बड़ा बोझ नहीं दे सकता पापा को। तो जिंदगी भर बोझ बन के रहे। तुझे पता है हम लोग बचपन में यहाँ पे क्या करते थे? क्रिकेट खेलते थे। और 20 साल के बाद तुम लोग क्या कर रहे हो? क्रिकेट ही खेल रहे हो। मैं 20 साल के बाद यहाँ पर आऊंगा तब भी तुम क्रिकेट ही खेलते रहोगे। वन टाइम चांस है, सोच ले। बैठ। पापा को सोचा आपने? क्या सोच रहा है बोल। यूरोप में बहुत स्कोप है पापा। बेटे ये गलत फहमी है तेरी। ये जो यूरोप वाले हैं ना, उन्हें हमारे देश में स्कोप नजर आता है, इसीलिए तो यहां आते हैं अपना कारोबार फैलाने के लिए। जानता है ना तू कितनी कंपनियां और कितने कारोबार चल रहे हैं उनके यहां। बेटा सारी दुनिया की नजर हमारे देश पे टिकी हुई है और तुझे यूरोप दिखाई देता है, कमाल है यार। पापा आपने जगदीप को देखा? कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया है वो। देख बेटा, आदमी चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए ना, लेकिन रास्ते पैरों के नीचे होते हैं। क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। हाँ इतनी अच्छी दुकान है हमारी, जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रही। तो मेरी जिंदगी में है, मुझसे प्यार करता है। बेटा मेरे लिए बस यही काफी है। अब चल नाश्ता कर, कपड़े पहन और दुकान पे आ। जिंदगी भर दुकान पे थोड़ा ना रह सकता हूं। सुन लिया मैंने बेटा, इसी दुकान की वजह से ये घर है, छोटी सी दुनिया है हमारी, और इसी दुकान ने तुझे पढ़ लिख के इस लायक बनाया है। तो दुकान के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। कुछ नहीं, तबीयत तो ठीक है ना जी? आजकल तो दुकान पे भी नहीं आता, घर में बैठा रहता, खोया खोया सा, खाना भी नहीं खाता। क्या हुआ? वो भूख लेती पापा बस। जब भूख लगे तो खा लेना, चल चलता जी। हाय राज, कैसा है जगदीप? जेडी, कॉल मी जेडी यार। ये ले तेरा लेटर आ गया। कैसा लेटर? यूरोप से। अरे तू यूरोप जा रहा है, वहां पर ग्रीस एकदम हॉट प्लेस। और मेरे पैसे? अरे जेडी है ना, क्यों अंकल? हाँ हाँ
जेडी का कमाल है। हाँ और क्या, तो मेरा वीजा आ गया, 7 दिन में आ जाएगा, उसके बाद तू क्या बात कर रहा है यार, थैंक यू यार। चल अब मैं उड़ता हूँ, बाय बाय अंकल। पापा मैं यूरोप जाऊं? हाँ सुना मैंने। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे बुरा क्यों लगेगा, तेरी खुशी में मेरी खुशी। थैंक यू पापा। बेटा मैं सोच रहा था कि मैं 7 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता, तो कहाँ नहीं जाता। क्यों पापा? तू जा रहा है ना, कुछ वक्त मैं तेरे साथ गुजारूंगा। बिल्कुल पापा। तो रिश्ता ये
गहरा हुआ ख्वाबों को खरोट बदलने तो दे ए दिल जरा संभलने तो दे गुड मॉर्निंग छत का है छत नहीं छटपट ये हम कहाँ है रेलवे ट्रैक हाँ अब ट्रेन आती होगी 5 मिनट में यहाँ ट्रेन स्केड्यूल पे आती है टाइम पे अरे पागल मुझे अगर ट्रेन से मरना होता तो मैं इंडिया में ना मरता टेंशन मत ले बिल्कुल दर्द नहीं होगा मुझे मेरा पेट क्यों नहीं फील हो रहा है मैंने तुम्हारे पेट पे एनेस्थीसिया लगा दिया है सिर्फ 3 टुकड़े होंगे तुम पागल हो गई है मेरे हाथ खोल जरा सुन ट्रेन आ रही है क्या ट्रेन आ रही है मेरे हाथ छोड़ मैं मर जाऊंगा मेरे हाथ खोल तू पागल हो गई है मेरे हाथ खोल ट्रेन आ गई यही तो मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ खोल चल मत कर पूरी हो जाएगा यार क्या कर दिया मेरे साथ ना अच्छा बांधे तुमको अरे ट्रेन बहुत तेज आ रही है लेट आ रहे हैं वरना 2 ही टुकड़े अरे केला तू खा रही पिचक मैं जाऊंगा पागल हो गई है पागल अरे अच्छी खासी तो ट्रेन आ रही थी ट्रेन के नीचे आके नहीं मरूंगा मैं तो फिर कैसे मरेगा हाँ कोई और तरीका सोच देख यू डोंट लिव वंस यू लिव एवरी डे बट यू डाई वंस अच्छा करते हैं ना वापस ट्रेन आने वाली है लेट जा मैं ट्रेन के सामने आकर नहीं मरूंगा ठीक है तो खुद मर ठीक है हाँ ट्रेन के नीचे नहीं मरेगा प्लेन के नीचे मर अच्छा मैं क्या कह रहा था तुमको मरना है कि नहीं मुझे लगता ही नहीं कि तुम इस मामले में सीरियस हो किस मामले में अरे किस मामले में क्या मरने के मामले में और किस मामले में अरे कितनी अच्छी तरह से मैंने तुमको बांध के रखा था ट्रैक्स पे तुम्हें लगता थोड़ी एनेस्थीसिया लगाया था तुम्हारी पेट पे हाँ पर दर्द तो मुझे होता ना चल 2000 में क्या क्या करूंगी ट्रेन 5 मिनट में आ रही थी जप 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 3 टुकड़े ठक 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 कुछ और सोचना यार ट्रेन के अलावा अरे और सोच क्या किताब हूँ क्या मैं और सोच पेनलेस डेथ बोला है यार मैंने एनिस ओ गॉड देख संडे को मुझे कैस्ट्रो पैलेस जाना है बता रही हूँ तुमको आई एम सॉरी ए हट आई एम सॉरी अरे मेरा बैग देना कौन सा बैग किधर गई इधर या इधर किसको पूछ रही हूँ यार आई एम सॉरी यार अरे क्या सॉरी यार किसने बोला था तुमको मेरे शनेल को हाथ लगाने यार वो तो एलवी का बैग है ना पुलिस स्टेशन जा रही हूँ पीछे मत आना और मरना है ना यहाँ डुबकी लगा के मर खत्म कर अपने आप को अनीता अरे रुकना यार तुम पुलिस स्टेशन जाओ मैं बस स्टेशन जाता हूँ वाह क्या खराब आइडिया है तुम्हें क्या लगता है मेरा बैग अब तक चोरी नहीं हुआ होगा यहाँ पे चोरी नहीं होती है यहाँ पे लोग दूसरों की चीजों की वैल्यू समझते हैं अच्छा जो आदमी खुद की लाइफ की वैल्यू नहीं करता वो दूसरों की चीजों की वैल्यू समझेगा अनीता इज जस्ट अ बैग जस्ट अ बैग उस बैग में मेरा बहुत कीमती सामान था तुम्हारे बैग में देखा मैंने ना तो उसके अंदर तुम्हारा कोई पासपोर्ट है
ना कोई पैसा और ना सेल फोन। मैंने कब कहा कि बैग के अंदर कुछ था? एक बात बताओ, शादी हुई तुम्हारी? शादी करके एक आदमी को क्यों दुखी करूं जब सिंगल रहकर हजारों को दुखी बनाती हूं। कल मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी और तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक प्लान मरने का। हिंगर चिंगर पिगड़िया पड़के चढ़के करके चा पड़ेगी पोकड़ा पड़के चढ़के फटवे आ फिरंगी आ आ। टेल मी बुड्डे व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ट्रेन के आगे तू मरता नहीं, पानी में तू डूबता नहीं, रस्सी तेरा वेट पकड़ेगी नहीं, करूं तो मैं क्या करूं? सबकी प्रॉब्लम पर मैं कैसे मरूंगी? हां बुड्ढे ये रख, ये घर पे चूड़ियां पहन के बैठ, इस उम्र में कुछ नहीं होना तुझसे। थैंक यू। फट ले। माताजी माताजी माताजी। ये सेक्सी बेबी कम ऑन ऑन द फ्लोर। आई एम नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट? बेबी यू नीड अ ओके या शटल कॉक। प्ले बैडमिंटन, गुड स्पोर्ट, गुड फॉर यू। ओके यस ठीक है, मिलती रहना, आती जाती रहना। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है। माताजी 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 मदद करो माता, प्लीज हेल्प। ए बेटा पैर छू। नाभि से अंदर घुसेगा क्या? हाँ? इसको हिंदी आती है? हाँ। ऐसी कौन सी भाषा है जो मैं बोल नहीं सकती, और ऐसी कौन सी जिंदगी है जिसको मैं पढ़ नहीं सकती? इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है मुझे। तू विश्वास नहीं करता? विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत छोटी सी लाइन है, वो देख। क्या हुआ? तो कुछ भी नहीं। सोच कुछ नहीं है तो मैंने तेरी मुंडी घुमा दी। अगर कुछ होता तो मैं क्या क्या घुमा सकती हूँ, मुझे जानते नहीं तुम लोग। क्रेजी किया रे। आऊंगी। कहाँ? आऊंगी, मैं आऊंगी। भगवान से बात कर रही है? अरे भगवान से नहीं, पति से बात कर रही है मैं ब्लूटूथ पे। क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना इधर? हाँ वो तो। आऊंगी मैं आऊंगी, शाम तक पहुँचती हूँ। ओके हेट यू। पूछो क्या पूछना है। कान में बोलू? हाँ बता। हाँ इसे। इसे मेरी जिंदगी का क्या लेना देना? जिंदगी से नहीं लेना देना, तेरे मुंह से बात सारी खा इसको पहले। कहाँ से ले रहे इसको? तेरे ऊपर शनि मंडरा रहा है, शनि का वास है तेरे ऊपर, लेकिन उसे मैं हटाऊंगी। ला $500 निकाल। नहीं है मेरे पास। $500 नहीं है? चल $300 निकाल। $300 भी नहीं है। अरे तो $50 निकाल दे। $50 भी नहीं है मेरे पास, सॉरी। अरे तो $5 दे दे। अरे नहीं है मेरे पास। जा यहाँ से, हट भिखारी। और मेरे शनि का क्या होगा? ₹5 जेब में नहीं है, शनि तेरा घंटा उखाड़ेगा। हट, हट, हट। मैं देती। ये लो। ये बात हुई। इसका हाथ देखो ना। हाथ दिखा। नाक के अंदर डालेगा क्या हाथ? दिखा दे। कहाँ से लाई इसको उठा के? चला। दर्द है, दर्द चुभन है, खून। अब इन्होंने पकड़ा। इन्होंने नहीं, केकड़े ने पकड़ा। केकड़े ने पैर पे काट दिया। तेरी तो साले, तेरी तो। हट। इसके बारे में बताओ ना। हाँ हाँ बताती हूँ, उसके लिए 3 पत्ती उठानी पड़ेगी। मैं नहीं हिल रहा। तू भी उठा। मैं उठा। 3 पत्ती उठा। बता क्या आया तेरा? राजा रानी गुलाम है? मेरे 3 इक्के, मैं जीत गई। पैसे निकाल, मैं जीत गई। अरे पर इससे इसका फ्यूचर कैसे पता चलेगा? क्या? हाँ इससे फ्यूचर नहीं पता चलेगा तो? ये ऑलरेडी भिखारी और भिखारी रहने वाला है। अरे पर ये मरेगा कब? मरेगा कब? हाँ। नीचे देख। नीचे गाड़ू? कहाँ पे? नीचे देख, नीचे मौत है। कुछ नजर आया? गाड़ के मरना है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं नीचे देख, नीचे मौत है, मौत। पानी में नीचे? येड़ी वहाँ पर नहीं, नीचे देख, नीचे मौत। नीचे कहाँ मौत? ₹2 जेब में नहीं है, कवाला घूमने आए हो भिखारियों? अरे पता है आज तो तू मरेगा ही मरेगा 100%। पूरी रात मैं जागी हूँ, इंटरनेट पे सर्च किया और फिर ये लाया। हा हा हा। ये क्या? बैठ जा।
तुझे ना मैं ऐसे बैठाऊंगी चेयर पे, फिर तुझे ना ऐसे बांधूंगी, बांध के इसको मैं सॉकेट में डालूंगी ऐसे, और फिर तू बटन ऑन कर देगी, इससे तो मरूंगा ना मैं। कब आएगी? आतू आतू जा जा। कितनी देर में आ रही है? पाँच मिनट। हाँ ठीक है। होटल से यहाँ तक आते आते हॉट भी कोल्ड हो जाती है, और वैसे भी ना कोल्ड कॉफी थोड़ी ज्यादा महंगी है बेब। अरे इसको ही कोल्ड समझ के पी लो ना घटक। बेबी क्या हम आज रात को ओ गॉड उस लड़के ने कर लिया होगा। ए बताओ, उस लड़के ने तो कर लिया लेकिन अब तक हमने कुछ ना करा। हनी मैं कह रही हूँ कि उस लड़के ने उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए होंगे और रूम में रख दिया होगा। मैंने सावधान इंडिया में देखा था ऐसा ही होता है, पर तुम्हें क्या पता, तुम तो इंग्लिश मूवीज देखते हो। बेबी ये सावधान इंडिया की स्टोरी ना सारे मारे गांव की होती है। रियली? लेकिन हनी दिस इज डिफरेंट। मुझे ना सुबह बहुत गंदी बदबू आ रही थी, इमेजिन ग्रीस में। आई थिंक उसकी लाश पड़ी थी रूम में। अच्छा बदबू बाहर तक आ रही थी? दरअसल क्या है, मैं बाथरूम में था, यहाँ का चीज खा के ना पेट बहुत बदतमीज हो गया है बेब। अब बेबी ग्रीस में मैं किसी लड़की को बचाने थोड़ी आया हूँ, हम हमारा हनीमून बनाने आए हैं। हनीमून तब मनेगा जब तुम मुझे इन्फॉर्मेशन लाके दोगे। बेब मैं कोई इन्फॉर्मेशन लाके नहीं दूंगा, किसी लड़की को ना बचाऊंगा मैं। हनी दोनों बहुत हॉट है। विला नंबर कौन सा है उसका? विला नंबर 6। ठीक है। हमारे बाजू वाला। ठीक है। चोरों की तरह जाना। ठीक है। धीरे धीरे जाऊं अब? गो। ओके। यार अनीता का भी कमाल है यार, फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है उसने अपना। क्या हालत कर रखी है यार, सब कुछ संभाल, सारे अटेंड मुझे करने पड़ते, मैं भी क्या करूं। कौन है चिरकुट? मैं चिरकुट नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। बाहर निकल। अरे वाह, लिविंग रूम में टब। ओहो क्या सोफा है, क्या टेबल है, बहुत बढ़िया। बाहर निकल। अरे बाहर निकल यहाँ से। हाँ लेकिन तू यहाँ पे कर क्या रहा है? मैं तो ऐसे गार्डन में एक घंटे से घूम रहा था। तू गार्डन में था? हाँ यार, वो तूने एक लड़की देखी 5 फीट 7 इंच लंबी, घूम रही थी यहाँ पर, पागल सी है कुछ। काड़ेकोट वाली? हाँ। ब्राउन बाल थे जिसके? हाँ। सावड़ी सी? हाँ। फिगर बढ़िया? अबे सही बताना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ना देखी अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की ना देखी भाई। भाई बताना अगर मिले तो यार। हाँ। चलो निकलो। मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। पहले चाकू नीचे रख दो। आओ यार बैठो, इसे अपना ही कमरा समझो। मेरा ही है। ओ। और जिस पे तू बैठा है ना वो भी मेरा ही है। अरे क्या बात करनी है तुझे? देखो यार तुम जान खत्म क्यों करना चाह रहे हो? तुझे किसने बोला? अनीता ने। अच्छा तो अनीता है उसका। ओ बेबी। क्या बोला तू? नहीं नहीं कुछ नहीं। देखो यार तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो हर मर्द की प्रॉब्लम है। हाँ तो तुम्हारे साथ भी?
बहुत बुरा हुआ यार। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि एक चाकू उठाऊं, गर्दन पे लगाऊं और खचाक। मेरा भी मन करता है कि फांसी का फंदा लूं, गर्दन पर लटकाऊं और खत्म। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि ठंडे ठंडे लस्सी लाऊं, उसमें चूहे मारने की दवा मिलाऊं और खचाक। मेरा भी मन करता है कि पहाड़ों पर चला जाऊं और वहां से बस खत्म। लेकिन यार तुम ना अपनी जान खत्म मत करो। क्यों खत्म कर रहे हो इतनी अच्छी जान को? हा? अच्छा संभाले नहीं रही यार। अरे यार देखो, नहीं संभल रही तो हम संभाल लेते हैं। तू क्यों संभालेगा भाई? अरे आंखें देखो, सावड़ा रंग देखो, फिगर देखो, उसके हाथों के लंबे लंबे नाखून पे लिपस्टिक देखो बड़ा। अरे अरे भाई क्या हो गया? किसी कर रहा है? अरे तुम्हारी जान अनीता की। अरे यू मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रो। ओके आई अंडरस्टैंडिंग, आई एम गोइंग। कहाँ थी तुम? तुम 5 मिनट बोलकर मुझे पिछले 1 घंटे से घर पर बिठाकर यहाँ पर ग्रीस घूमने आई हुई हो क्या? मेरी लाइफ ड्रामा लगती है तुमको? यहाँ पर अजीब अजीब से लोग आकर मुझसे सवाल कर रहे हो और तुम यहाँ पर सड़कों पे घूम रही हो। वेस्ट है ना मेरी लाइफ, मर जाएगा कैसे भी। क्या समझती है मुझको? पागल हूं मैं? मेरी बात सुनो अनीता। अनीता जब मैं अकेला होता तो मैं मर नहीं सकता क्योंकि मुझे तेरी परमिशन की जरूरत पड़ती है, और जब तू मेरे साथ होती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरता क्योंकि तू मुझे मारने में हमेशा फेल हो जाती है। तो मैं क्या करूं? हाँ क्या करूं? बोला मैं मर के दिखाऊं। अनीता तूने? अरे हबीबी तुम्हारा बीबी जिंदा है। मैं मर गई, मैं स्वर्ग गई, मैं मर गई, मैं तुम ठीक हो? मैं नरक में चली गई। नहीं पागल तो जिंदा है। मैं नरक में हूँ। अरे तू जिंदा है। हमको पीछे से भी पकड़ सकता, हमको बहुत मजा आता है। तू बकवास बंद कर, अपना नाम बता, इसका नाम नोट कर। हमारा नाम लिखो, बनाना शेख। बनाना शेख? हाँ, तुमको मारने का बहुत शौक है, इधर सड़क पे घूमता है। अगर मारने का इतना शौक है तो हमारा होटल में आओ। ए, मैं तेरे को सू करूंगी। हमको सू मत करना, नहीं तो हमारा सू सू निकल जाएगा इधर दूसरे देश में। इसको चोट लगी है, इसको पैसा दे। पैसा? हाँ। किधर चोट लगा है? सब तो ठीक है। ये देख। बहुत चोट लगा, बहुत चिल्लाता है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ दुबई में आओ। उधर हमारा चार चार तेल का चूहा है। चूहा नहीं कुआ बोलते हैं। वो तो तेल सूख गया ना, अब चूहा ही घूमता है उधर। देखो हमारे साथ ऐसा मत करो। पता है क्या, हमारा बहुत छोटा सा फैमिली है उधर। हमारा 6 बीवी है। क्या 6 बीवी? संडे ऑफ रखते हो क्या? नहीं, संडे को हमारा साला आता है। साला आता है? हाँ, उसके साथ हम शतरंज खेलते हैं ना, हमको शतरंज खेलने का बहुत शौक है घर पे। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, तो चल यहाँ से। ए, मैं ना तेरे को मारूंगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। हाँ, तू बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलर है, डरा मत उसको, चल यहाँ से। मैं यूं ही लोगों की किस्मत आजमाता हूँ।
वक्त हूँ हमेशा वक्त पर ही आता हूँ। अरे यार छोड़ देता, मार देती मैं उसको। मार देती? तू क्या ड्रामा कर रही थी वहाँ पे सड़क पे? कौन सा ड्रामा? वो मार देता मुझको, वो चल जाता। अरे क्या मार तू देता? मुझे अंडर एस्टिमेट ही करता है। मार देती मैं उसको। इसको तो मैं बताता हूँ अब कि मारना क्या होता है। देखा, देखा मैंने कहा था ना वो उसे मारना चाहता है। यस यू आर राइट बेब, डू समथिंग। लेकिन मैं क्या करूं? कुछ तो करो। अरे उसकी हाइट देखो, मेरी हाइट देखो, उसकी बॉडी देखो और मैं ना ना बॉडी तुम मेरी देखो। लेकिन के करें? तू एक काम करना, मुझे पीछे से लात मारना। हाँ। और मेरा काम हाँ, वो भी मैं ही करूँ। और हाँ लात मारना मत भूलना, तू किसी काम की तो है नहीं, सारा दिन यहाँ पर मैं ही सब कुछ करता हूँ। चल आजा, चल लात मार, अब लात तो मार। Come on, honey. Come on. अंदर, come on अंदर, inside quickly. चेयर पे बैठ, चेयर पे बैठ। अरे क्यों मुझे यहाँ लाया? अगर खड़ी होने की कोशिश करी तो जान जाएगी। हाँ, चुप। Oh my God, honey, that was awesome. You are very wonderful, babe. Did I not tell you कुछ गड़बड़ है? देखो मैडम, हमने आपको दे दी प्रोटेक्शन, नाउ यू आर सेफ। यस। मुझे प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन क्या मतलब है आपका? मैं क्या अनसेफ हूँ? अरे इन्हें तो कुछ पता ही ना है। Oh my God, this is the problem with Indian women. वो पूरी जिंदगी अपने पति के पीछे पीछे भागती रहती है और जैसे ही पति बोर हो जाता है everything finish. अरे काय का पति क्या फिनिश? अरे मैडम बैठो, हमको सब पता चल गया, वो मारने का प्लान। हाँ, मारने का प्लान? आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? अरे मैडम आप हमें ऐसी समझ रही है कि हम गाँव से आए हैं। हनी चलो। हाँ देखो मैडम, हम है फैशनेबल बंदे, पूरे कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं पहन लेते कुछ भी काला सा। और मैडम चार दिन का वीजा मिला ग्रीस आने का, और जब वीजा मिला था ना चार दिन का, तो पूरे गांव में ढोल बज गया था। हाँ। और आज भी व्हाट्सएप पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। हाँ। हनी शॉर्ट फॉर्म्स कौन सा? OMG। हाँ और आ मेरा गोबर। BRB। हाँ भाग रे बुआ। अच्छा एंड लास्ट WTF, वेयर इज द फूड? अब जाऊं मैं? अरे थम जा। लिसन, पहले तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन जब हमने सब कुछ देखा हमें पूरा यकीन हो गया। मैं आपको पैसे दूंगी, आप प्लीज किसी को मत बताना वरना जेल। अरे जेल हो तो हो, और मैडम बताना तो पड़ेगा ही, अगर ना बताया और जान चली गई तो। अरे जान कैसे जाएगी यार, फट्टू है साला, सब फेल हो जाता है। ओह माय गॉड, मतलब आपको सब पता है? ऑफ कोर्स मुझे पता है यार, कुछ नहीं होता यार, उसकी इच्छा है। और फिर भी आप उसका साथ दे रही हो? अरे मुझे ही करना पड़ेगा ना सब कुछ, वो क्या इडियट है, क्या करेगा वो? अरे ऐसा करने कुरने में जान चली गई आपकी तो। या अरे मेरी जान क्यों? हेलो मेरी जान क्यों जाएगी? अरे वो आपको मारना चाहता है, डोंट यू नो? He wants to kill me. Yeah. अरे क्या पागलपन है यार। अरे हनी, 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 lock him in the balcony. Lock him in balcony. धूप में? अरे छज्जा हनी, छज्जा। चल चल, छज्जा पे चल, छज्जा पे विदेशी कपड़े पहन के चल। अरे यार, क्या क्या? अरे मैं चिल्ला सकती हूँ? हाँ तो चिल्लाओ, यहाँ पे हिंदी किसी को आती नहीं है। WTF? Where is the food? Very hungry. Let's go and eat. Yes, go. हाँ? मुझे अकेला छोड़ गए? बेवकूफों ने ये लॉक ही नहीं किया। आज तुम्हारा ये लास्ट डे है, काम खत्म तुम्हारा। थैंक गॉड, फाइनली तू आज सक्सेसफुल हो जाएगी। ओए मैं सक्सेसफुल हो जाती? तू ही कुछ ज्यादा जिंदा रहना चाहता है। ओए पैसे तुझे मैंने दिए हैं, जब देखो अनसक्सेसफुल हो जाती है। एनीवे आज मैं तुम पे डिपेंड ही नहीं होने वाली हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा नहीं एक छोटा हथियार लाया। एक्सक्यूज मी, दिस यू गिव दैट। ओके ओके थैंक यू। योर कॉफी सर। थैंक यू। कॉफी? Thank you. शक्कर चाहिए? थोड़ी सी।
पी ले। तुम भी पियो ना। है पी। अब कुछ हुआ? हाँ, गरम लगा। जल्दी से एकदम कॉन्फिडेंटली उठना। क्या हुआ? बाद में बता दूँ। जल्दी पर वेरी स्लोली। चल ना। हम भाग क्यों रहे? अरे आज मैं सक्सेसफुल हो गई, लेकिन गलत इंसान पे। कोई मर गया क्या? आई होप नॉट यार, लेकिन तू तो जिंदा है। तेरे से कुछ होता वोता है नहीं, फालतू के काम करती रहती है तू। ए, इतना आसान है तो खुद मरना। ये ले। ये चलती वलती भी है? एक ही गोली थी। चल हट। गंगा जल है क्या? गंगा जल है ये। गंगा जल है, वहां पर जाके पी लो पानी। अतरंगी सतरंगी आया को जो जान सका है माया, तोरा निश्चल मन अलबेला भस्म रमाए कोरी काया। अरसे से भीतर एक सूरज उगा जैसे, वक्त जगा हो कि रक्त भगा जैसे, अपनी ही काला में है तप कराया।
बादल में किसने ये सूरत उकेरी है, तू तपते आंगन की छाओ घनेरी है, प्यासों का तुझ में है पनघट समाया। ठीक है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तू मरने वाला है ना? एंजॉय कर। हेलो हाय, या वेयर इज शी द डेलिकेट सेक्सी थिंग। वाओ, ओह माय गॉड, लगता है इसी ने बुलाया है। ऐसे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एकदम सेक्सी है। अंडर 20। हाउ आर यू? यू अमेरिकन? नो नो, यू फ्रॉम Tanzania? No. Brazilian? No. Uganda? No. Czechoslovakia? No. You call me? No. Alien hai kya tu? 1 crore rupaye de na mere ko. No 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 kya hai? 7 saal. Oh. Ye hamari taraf kyu aa rahi hai? Hi, how are you? Who are you? You call for Indian? No. I am the one. इसके साथ ही जाऊंगा मैं। क्या बकवास कर रहा है? I am the only Indian here. Whole Kavala में I am the only Kavala. Hi, what is your name? Is he the client? Yeah. Hi, what is your name? राजकिरण। Oh, myself Pitambar. Pitambar? Yeah. प्यारे से लोग मुझे खिलजी भी कहते हैं। तुम्हारा असली नाम क्या है फिर? असली नाम? तुझे मुझे गोद लेना है क्या? असली नाम? शादी करने आया है मुझसे? अपने काम करके जाए यहाँ से। कौन है गेंडल? कोई बात नहीं। How much will you charge? मैं? $10,000? $10,000? मांगने के लिए मैं पूरा कवाला मांग लेगी। दे देगीगा कुछ भी? पैसे की बात करो, मांडवली करके देना है ना तुम लोगों को। हाँ, अब बैठ के करे। पैसे की बात करनी है तो मांडवली करो ढंग से। हाँ। कितना पैसा दोगे? 500 यूरो में कर दो ना। 500 में? तू ही जाए उसके साथ। क्या ए क्या है? 500 रुपए में यहाँ पर एक सलाद भी नहीं आता है। देखो क्या है ना, वो वैसे ही मरने वाला है। क्या, ये मरने वाला है? तू मरने वाला है? क्या बात है। वो कहावत सुनी है तुम लोगों ने? श्री संजय दत्त है ना, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। लेकिन ये पहला आदमी होगा जो इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता लेकिन लेकर जाएगा। चल मेरे साथ। अरे, मरने वरने से पहले मैं तेरे को जन्नत दिखा दूंगी। बाद में क्या पता तू नरक में जाए। है, है कि नहीं? वो तो है। आप इंडिया से कैसे आए? मैं प्लेन से, और कैसे? यहाँ ट्रेन थोड़ी आती है। ये क्या अलीबाग से आई है क्या? तू यहाँ कैसे आई? पानी में तैर कर आई है क्या? जो भी सॉरी सॉरी, आपकी शादी वादी तो नहीं हुई ना? मेरी शादी हुई थी, बम्बई में मैं थी। माइकल जैक्सन से मेरी शादी हुई थी। माइकल जैक्सन? जब वो मुंबई आया था? अरे वो नहीं यार, माइकल और जैक्सन अलग अलग लोग थे। प्रॉब्लम बड़ी होती थी घर में। वो कहता था मैं इसके साथ रहूंगा, वो कहता था मैं इसके साथ रहूंगा। मेरा जी घबराता रहता था, जी घबराता रहता था। मैं परेशान रहती थी। मैंने कहा देखो, कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे घर में, अब इस घर में सिर्फ 2 जन रहेंगे। हाँ, फिर डिसाइड हो गया। क्या? उन्होंने सालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, दोनों साथ में रहने लगे यार। पता क्या होता है कि कोई भी औरत जो है वो ऐसा काम करना नहीं चाहती। लोग ऐसा काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए। बेचारी। लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। तू क्या बार बार मुझे हाथ लगा रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत मजा आता है, समझा? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आई एंजॉय। चलो चलो, चलते चलो। पहले एक मिनट सुनो। क्या? रस्ते में मेडिकल स्टोर आएगा? हाँ। मुझे बहुत गैस हो गई यार, मुझे ना एक बैंडेड दिलवा देने। तो बैंडेड क्यों, गोली वोली लो ना। अरे मैं जगह ही बंद कर देना चाहती हूँ। क्या ये? मेरा मतलब मुंह पे लगाऊंगी ना बैंडेड, न खाऊंगी ना गैस होगा, तू क्या समझा?
कैंडल चला इज अ वेरी डर्टी डबल मीनिंग मैन यार आई एम सो सॉरी सॉरी चलो 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 चल ना और यंग मैन कितने टाइम हो गया शादी को पूरे 7 दिन 7 साल बाद इसका दर्द पता चलेगा अच्छा अरे लेकिन अभी तो बड़ा मजा आ रहा है ले ले यार जितना मजा लेना ले ले पेट तो अभी से फट गई तेरी ना ना फैशन है अरे वाह किराक हाय तूने भी टकले वो मेरे को कर रही है हट टकला कहीं क्या लड़की है क्या लड़की है हाँ क्या लड़की है ओए ओ मेरे होटल में ये सब नहीं चलता एक्सक्यूज मी टाइम की कदर नहीं होटल में ये सब नहीं चलेगा एक्सक्यूज मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे मेरे को गाने का बहुत शौक है और गाओ ना ए उधर क्या देख रहे हो मेरा मुंह इधर है मुंह तक पहुंचने तो दो हाँ। ये मेरी अपनी मेरी नहीं मेरा नाम डॉली है डॉली बताया था ना तेरे को डॉली ए आप वो है ना मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी नहीं क्यों नहीं इतनी देर से ऐसा फुटबॉल बैलेंस करके चल रहे मेरे को लगा फुटबॉल खिलाड़ी हो ये मेरा मुंह है आपका मुंह है सच्ची में ओह माय गॉड ऐसा मुंह फर्स्ट टाइम देखी यार मैं आपको तो म्यूजियम में होना चाहिए क्यों नहीं मतलब ऐसा मुंह कभी नहीं देखा जहाँ मुंह कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता मेरा मुंह यहीं तक ही है इसके बाद मेरा माथा है माथा है कि माथे रहने इतना बड़ा माय गॉड देखो मेरे साथ पंगा मत लो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा हाथ भी उठ सकता है देखो मेरे को डराने का नहीं समझे हाँ ऐसे बहुत खुसट बुड्ढे लोग को मैं जानती है हाथ उठ सकता है इनको पलके उठाने के लिए तक शिलाजीत खाना पड़ता है हाथ क्या उठाएंगे ये बात करते हैं बेइज्जती हो गई यार कोई बात होता है एक्सक्यूज मी एक मिनट क्या है जरा आएंगे एक सजेशन देना था आपको बोलो वो गजनी पिक्चर देखा है आपने हाँ। उसमें आमिर खान ने देखा था इधर ऐसे वो बनाया था हाँ। आप ना इसे बीच में चीरा मार सकते और रियली हाँ। अच्छा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा गुल्लक बना सकते पैसे डालने के काम आएगा ओ भाई बेइज्जती हूँ सुनाए बिना तेरा कुछ इतनी बेइज्जती बेइज्जती इतनी इज्जत मुझे आज तक नहीं मिली जितनी अभी अभी अंदर मिली है मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं कितना इज्जतदार आदमी हूँ इज्जत फ्री में बट रही है चाहो तो ले लो हैं मैं जरा आता हूँ क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है मैं ये करके आता हूँ थैंक यू यार एक नंबर दो नंबर तो सुना था ये क्या होता है यार ये क्या करके आ रहा है ये लोग सही नहीं लग रहा है मेरे को पता नहीं कहाँ पर लेकर आया है एक तो पैसे वाले तो है लगता है हैं महंगा रूम है इन लोगों का और पैसे मांगूंगी मैं तो अरे बताया तो करके कमरे में आ रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो हनी आई एम फ्रेंडशिप कौन आई एम फ्रेंडशिप एफओ हैं फॉरएवर सुनाया अनीता कुमार ने अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है वहां क्या बोल रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं तेरे जैसे आदमी लोग को मैं जानती हूँ चले बच्चे के डायपर में सॉस लगा के खा जाते हो तुम लोग अकेले अकेले में क्या बोल रहा है तो हुआ बेब तुम्हारे हाथ बड़े मुलायम है चांस मार रहा है साला चांस मार रहा है हाँ नहीं मार मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा मजा आता है मुझे हाँ आई लाइक इट लेकिन बेब हाँ एक बात बताओ हाँ? तुम तो मुझे अच्छे घर की लगती हो हाँ लेकिन फिर तुम इस वाली लाइन में कैसे आ गई बेब मजबूरी कैसी मजबूरी एक्चुअली मेरा बाप अंधा था तो वो जब भी कोई आहट सुनता था ना हाँ? तो मेरी माँ से पूछता था कोई है माँ कहती थी नहीं है और वो शुरू हो जाता था ऐसे ही करते करते अंधाधुन उसने 14 बच्चे पैदा कर लिए अंधाधुन अरे अंधा था ना और धुन उसको लगी हुई थी अच्छा और एक दिन लुढ़क गया वो हाँ अब 14 बच्चों की जो रिस्पांसिबिलिटी उस अंधे पर थी वो मेरे कंधे पर आ गई अब 14 बच्चे भाई बहन पालने का है कि नहीं तो इस लाइन में आ गई मैं अच्छा हाँ अरे लेकिन बेब वो जो लड़का है ना बेब बेब क्या लगा रखा है अच्छे से बात कर इज्जत से बात कर देखो बहन वो जो लड़का है ना काली नहीं देना मुझे बहन बोलता है हाँ क्या है वो लड़के का देखो स्त्री वो जो लड़का है ना वो ये काम ना चाकू के साथ करना चाहता है क्या हाँ गले में रस्सी डाल के पंखे पे करना चाहता है नहीं हाँ बिजली की तारों के साथ करंट के साथ करना चाहता है
क्या बात कर रहा है? हाँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। करण के साथ ये सब चीजें कौन करता है यार? तो मेरी बात सुनेगा? मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तू पैसा रख। कहाँ चला गया? ये ले, तू पैसा रख, मुझे यहाँ से ले चल, मुझे टैक्सी करवा दे कहीं पे। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। टैक्सी कहाँ मिलेगी? बाहर। तो बाहर ही मिलेगी। टैक्सी अंदर थोड़ी आएगी, कमरे में लाएगा क्या? शक्ल से तो ठीक ठाक है, दिमाग में चूहे की लेंडी भरी हुई है। चल चल चल। अरे कहाँ, क्या हो गया? क्या, कुछ नहीं हुआ। तुमने भेज दिया उसको? नहीं मैंने नहीं, तू कहाँ गया? बहुत डरावनी थी, मैं पूजा करने चला गया था, अभी आया हूँ। अरे पर वो कहाँ निकली? ओहो, अरे यार क्या यार, छोड़ यार, अच्छा हुआ चली गई। डरपोक कहीं का, सॉरी। पार्टी करनी है? हाँ चलो ब्रिकी चलते। चलो। अच्छा लिसन, मैं नहा के आता हूँ। छी, नहाया नहीं था? नहीं, क्या नहीं, थोड़ा मतलब यू नो फ्रेश फ्रेश। ओके ब्रिकी, मिल बाय, सी यू बाय। क्या बात कर रहे हो? लीजिए चाबी। अच्छा, वेरी सैड यार, मतलब अब घर से पैसे लेके भाग गई तो उसके बाद जान देने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत किया यार। मतलब आजकल के बच्चों को तो इस चीज का एहसास ही नहीं है ना, वो तो घर से भाग जाते हैं। पीछे माँ बाप क्या बीतती सोचा कभी उन्होंने? एक मेरा बाप और एक तेरा बाप। मेरा बाप बेवड़ा है, बेवड़ा, और तेरा बाप नॉट बेवड़ा। मेरा बाप चिकन मटन मच्छी खाता है, लेकिन तेरा बाप दाल रोटी सब्जी खाता है। मेरा बाप मुझे कहता है, ए तू 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 राम नहीं है, राम नहीं है। तो मैंने भी उसको कहा, ए तू भी दशरथ नहीं है। लेकिन तेरा बाप दशरथ है, तेरा बाप दशरथ है। तेरे लिए उसने अपनी दुकान बेच दी। क्या कर रहा है? पापा आपने क्या किया? मुझे यूरोप नहीं जाना। यूरोप नहीं जाना? नहीं, 5 दिन बाद जा रहा है और तू आज मना कर रहा है। आपने कैसे सोच लिया पापा कि मैं आपकी दुकान बेचकर यूरोप चला जाऊंगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 20 साल बाद मेरा बेटा यहां मुझे क्रिकेट खेलता दिखाई दे। रही बात दुकान की, तो दुकान तेरे लिए थी, तू दुकान के लिए नहीं। ये इमोशनल और जज्बाती होना छोड़ दे बेटा, वहां जाकर दिमाग से सोचना, दिल से नहीं। मन्नते जन्नते बंधी इन दुआओं से है, मेरे सब के सब रास्ते जुड़े तेरी राहों से है। तू मेरी मंजिल है, मुझ में ही को जरा चलने तो दे,
मुझसे मुझे निकलने तो दे अभी कहीं मुझी में ही वो लम्हा है ठहरा हुआ वो एक पल मिला जो कल तो रिश्ता ये गहरा हुआ ख्वाबों को खरोट बदलने तो दे ए दिल जरा संभलने तो दे अरे यार अंकल मत बोला करो कॉल मी धरम धरम कहाँ जा रही हो वो तो रात से नहीं आया यहाँ पे वो मुझे भी नहीं मिला ओ तो फिर उसे कोई मिल गई होगी गया कहाँ ये भाई हमारे जमाने में तो हम जंगल में चले जाया करते थे अब तो होटल खुल गए ना गया होगा किसी होटल में लेकिन मेरे होटल में ये सब नहीं चलता मैं पहले बता दूं कहां चल दी अरे बगैर मरने जा रहा था अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही तो समझ गया तो निकाल ना ये फंस गया हूँ अरे यार आजा अरे आराम से मेरी गर्दन निकल जाएगी आराम से तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं मैंने कभी तेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं पढ़ा नहीं उसमें सीधा सीधा लिखा है कि मेरे बगैर तू मर नहीं सकता चल आज हॉलीडे कोई हंटर्स नहीं है नई स्पॉट पे लेके जाती हूँ चल आजा मुझे समझ में नहीं आ रहा तू कर क्या रहा था वहां ऐसे खड़ा क्यों था अरे बोल मेरे बाप मैं आत्महत्या करके नहीं मरना चाहता फिर कैसे मरेगा एक्सीडेंट से क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पापा को लगे कि मैं किसी और की गलती से मरूं, खुद की कमियों से नहीं नहीं, धोखा धोखा हुआ मेरे साथ मैं लूट गई मेरे को धोखा दिया नुकसान करा दिया तूने मेरा तुझे पता है मैंने वहां पैसे भरे गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन किया किस चीज के लिए अरे वेबसाइट आत्महत्या.com तेरे तीन टुकड़े होते तो मैं वो वेबसाइट पे डालती सेफ पेनलेस गारंटीड मौत अरे साले तू मरेगा तभी मेरा धंधा चलेगा नहीं और ये सब देखकर मेरे पापा बहुत खुश होंगे ना अरे वो खुश होते उनका बेवकूफ बेटा मर गया तुम्हारी गलती नहीं है मान ही हो ना तुम ज्यादा ही बोल दिया
तुम्हारी बातों से मुझे एक चीज का एहसास हो गया। तू चिरकुटी है यार। है ना? पागल है तू पर। हेलो या इज इन द होटल। जेडी आया। हाँ। अरे वाह। जेडी आया। अरे वाह। जेडी आ गया। उधर जेडी। स्मार्ट हो। जेडी का? ये रहा तुम्हारा जेडी। अरे मैं जेडी नहीं हूँ। एक लगाऊंगा। अभी तूने सब कुछ कबूल है और अब इनके सामने बोलता तू जेडी नहीं है। सारी आइडेंटिटी देखी है मैंने इसकी। पासपोर्ट चेक किया है और यही तेरा जेडी है। अरे पासपोर्ट पे नाम लिखा है जसबीर डबराल मतलब जेडी। ओहो अरे उस हिसाब से तो मैं जेडी हूँ पर मैं जेडी ना हूँ। खोते एक लगाऊंगा। कभी बोलता है मैं जेडी हूँ उस हिसाब से फिर बोलता है मैं इनके वाला नहीं हूँ। इनके उनके वाला क्या होता है? जेडी मतलब जेडी। ये जेडी है तेरा? लाले यार। नहीं ये मेरे वाला जेडी नहीं है। ओ तू पागल हो गया? अपनी आंखें चेक करा, अपना दिमाग चेक करा। जब तेरे वाला जेडी है ये तो तू कैसे कह सकता है कि तेरा जेडी नहीं है? मैं इसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, समूह तोड़ दूंगा। But he's very young. हाँ, young है, 28 साल का है। मैंने इसका पासपोर्ट चेक किया है। Are you sure ये तुम्हारा वाला जेडी नहीं है? Are you sure? यो सुअर। सुअर किसको बोल रहा है? अरे सुअर नहीं। Are you sure? सुअर। बात कर किसान। अरे तुमने इसको क्यों नहीं खोला? कैसे? मैं खुद बंद भी हूँ। So tight। अरे ये किडनैपर्स है। इन्होंने मुझे किडनैप किया था। यार। अरे। ओए। Are you sure? मतलब तू सुअर है? तुम पियोगी? हाँ। यार क्या कर दिया तुमने? सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने यार। धोना पड़ेगा, छोड़ दो उसको। सॉरी यार तुम्हारे छोड़ दो यानी अंदर लेके जाओ, मुझे कपड़े दो। कुछ सेक्सी कपड़े है क्या? ओ सो गया एक ही बैग में। हट बोरिंग। मैं तो हूँ सिद्धि और पियूंगी पानी अति।
मुझे रास्ते में खेलूंगी कुश्ती। बनके घूमूंगी हिप्पी, सबको दूंगी जादू की छप्पी, ना सुनूंगी मैं इसकी उसकी, मेरे तन बदन में ना चेरे विस्की। तोड़ूंगी सबकी फट जा, न कर धक्कम धुक्की, क्रिस्पी क्रिस्पी मौसम है क्रिस्पी, मेरे तन बदन में ना चेरे विस्की। ए, तू लैंड हो जा। गाली दिया। ए, ये भी दिया। बच्ची चल हो जा ठसी, चकने में लेके आ मच्छी। बच्ची चल हो जा ठसी, चकने में लेके आ मच्छी, डांस वांस करके मुझे दिखा ले गुलाबी नोटों की थप्पी। चुप्पी तोड़ूंगी सबकी वट जान, कर धक्कम धुक्की, क्रिस्पी क्रिस्पी मौसम है क्रिस्पी, मेरे तन बदन में नाचे रे विस्की। LAND लैंड हो जा। क्या बोला? LAND लैंड हो जा। हाथ नहीं छोड़ना था, मेरा ही फॉल्ट है। प्रे कर रहे हो? लाइफ इतनी आसान होती तो लोग भगवान को याद ना करते हैं, शाम को मरते हैं। मेरी भगवान से बात हो गई है। क्या कहा भगवान ने? कि तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। अंदर आ सकता हूँ? बेटा अगरबत्ती मिलेगी? क्या अंकल, अब ग्रीस में अगरबत्ती कहाँ से लाऊं मैं? नहीं है ना, मेरे पास है, कभी खरीदनी होगी तो बताना, 3 यूरो की बेच रहा हूँ मैं। क्या अंकल, आपको भी चैन नहीं है ना? चैन था बेटे, चैन घड़ी माला सब थी मेरे पास में। वो क्या है, होटल के बिल विल नहीं भरे ना, तो वो धर्म ने सब ले लिया। अब एक सोने का दांत बचा है, अगर और बिल नहीं भरे ना तो वो भी तोड़ देगा। अंकल आप भी ना, दूसरे भी कमरे हैं, कभी वहां पे भी जाया करो। जा तो सकता हूं बेटा, लेकिन वो लोग हिंदुस्तानी नहीं है ना, तो आप लोगों को देखता हूं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अपने देश की चिट्ठी हो या मिट्टी हो, दोनों को ही देखकर बड़ा सुकून मिलता है। तो थोड़ा वक्त बिताने के लिए आप लोगों के पास आ जाता हूं। वैसे कमरा काफी अच्छा है, है? अंकल हाँ? आपका यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार? हाँ। बेटा ये रिश्तेदार और रिश्ते तो सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ करते हैं, माँ बेटे का रिश्ता मुझे अभी अच्छे से याद है। जब मेरी
माँ मुझे चिट्ठी लिखा करती थी ना, तो उस पे पानी के धब्बे हुआ करते थे, तो मैं उससे समझ जाता था कि ये चिट्ठी लिखते वक्त मेरी माँ जरूर रोई होगी। भाई की आखिरी चिट्ठी भी मुझे याद है, उसने अपनी आखिरी चिट्ठी में मुझे बहुत कोसा और अंत में लिख दिया कि अपना ख्याल रखना। ये गुस्से में अपनों का फिक्र सिर्फ हिंदुस्तानी ही कर सकते हैं बेटा। बहुत साल रहा मैं यहां पे, खाना तो यहां पर भी बहुत है, लेकिन मां के निवाले की बात ही कुछ और होती है। बस इन्हीं यादों के साए में अपना वक्त निकाल लेता हूं यहां पे। जिंदगी में एक ही गलती की है मैंने, अपनों को खोकर। बस ऐसी गलती कोई और न करे अपनी जिंदगी में। चलता हूं अंकल। हाँ एक सेकंड। ये लड्डू, ये मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया है, आप खाइए। खाऊंगा, अपना ख्याल रखना। हाँ जी। और एक चीज ध्यान रखना कि जिंदगी में आदमी कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, रास्ते जो हैं वो पैरों के नीचे ही होते हैं। आदमी चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए ना, लेकिन रास्ते पैरों के नीचे होते हैं। Excuse me, ma'am. Yes. May I help you? Ma'am, can you please check my visa? Okay. Everyone is saying that I can't work. This is a tourist visa. You can work on tourist visa. What will I do now? Go back to India. Good luck. Ma'am, I can't go back. You can't stay here. You need a business visa. मेरी मुश्किलें मेरे मरने के बाद खत्म होंगी। मैंने अपने पापा की जिंदगी भर की कमाई 50 लाख नहीं थे, तुम हो। अरे तू वापस चला जाएगा तो कितनी खुशी देगा। शायद इसी वजह से ऊपर वाला तुझे बचा रहा है। लौट जा। और लौट कर उन पर बोझ बन जाऊं? ये बोझ तो वो खुशी खुशी उठा लेंगे। लेकिन तुम्हारी अर्थी का बोझ शायद ही उठा पाए। तुम उस चोटी पे खुदकुशी करने गए थे ना? तुमने कभी ये सोचा कि मैं वहां क्यों गई थी? आ रही है आसमां से ये सदा तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते है और खुदा तेरे लिए। तेरी हर एक सांस पे उसका बड़ा एहसान है, वो चलाता है तू चलती है हवा तेरे लिए। है तेरी मंजिले रास्ते हो,
है सभी कुछ यहाँ बस तेरे वास्ते। किस कदर फिक्रे दुनिया में उलझा है तू, वो है मौला तेरा उसका बंदा है तू। किस कदर फिक्रे दुनिया में उलझा है तू, वो है मौला तेरा उसका बंदा है तू। वो खुदा है हो बाखुदा है हो वो खुदा है हो बाखुदा है। वो है एहसास हर पल दिलाता है, वो इश्क बनकर दिलों में समाता है वो। हो वो है एहसास हर पल दिलाता है, वो इश्क बनकर दिलों में समाता है वो। यूं ही कोई किसी से तो मिलता नहीं, दिल से रिश्ते दिलों के बनाता है वो। है वो खुदा है वो खुदा है हो वो खुदा है वो खुदा है। What's this? कैश्रो पैलेस इन कवाला ग्रीस। ये क्या है? यहाँ पे हम जो भी विश मांगेंगे वो पूरी होगी। अच्छा आपको क्या विश करना है? आप गेस करो ना। मोर दीज पम पम नो डॉल्स नो कार्स नहीं कपड़े नहीं चॉकलेट्स नहीं फिर क्या? पापा मैं भगवान जी से बोलूंगी कि आप हमारे पापा लौटा दो प्लीज। भगवान जी से आपकी बातें होती रहती है? क्या बोलते हैं? ये आपका फल नहीं है मम्मी। फ्लाइट मिस हो गई है, I'm so sorry। मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है लेकिन जब हम किसी से नाराज होते हैं और तभी भी किसी को मिस करते हैं तो हम क्या करते हैं? आज क्या मैसेज है? मम्मा आप इतना सीरियस क्यों हो? मेरी तरह हैप्पी हैप्पी रहो ना। अरे मैं कहाँ सीरियस हूँ? अच्छा सीरियस नहीं हो तो फिर ये करो। अरे नहीं अरे करो करो ओ I'm very happy. Mm-hmm.
में किस। पेड़ के रोज पत्ते हवा से गिरे, फिर भी पेड़ों के रिश्ते हवा से रहे। हो पेड़ के रोज पत्ते हवा से गिरे, फिर भी पेड़ों के रिश्ते हवा से रहे। गिरने वाले तुझे भी संभालेगा वो, रात के बाद दिन भी निकालेगा वो। है वो खुदा है, हो बाखुदा है, हो वो खुदा है, बाखुदा है। यहां से कूदेगा तू? मरना कैंसिल। अब जीना चाहता हूं मैं। वक्त एक परिंदा है और वो उसी के साथ है जो जिंदा है। आ रही है आसमां से ये सदा तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते है और खुदा तेरे लिए। तेरी हर एक सांस पे उसका बड़ा एहसान है, वो चलाता है तू चलती है हवा तेरे लिए। है तेरी मंजिले बस तेरे वास्ते। किस कदर फिक्रे दुनिया में उलझा है तू, वो है मौला तेरा उसका बंदा है तू। किस कदर फिक्रे दुनिया में उलझा है तू, वो है मौला तेरा।